42 में जब जेपी हजारीबाग जेल से बाहर आए थे तो पटना में उनका जब स्वागत हुआ तो दिनकर ने जयप्रकाश कविता सुनाई कि कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, ज्वाला को बुझते देख कुंड में कूद स्वयं जो पड़ता है। जयप्रकाश नाम समय की करवट की अंगराई का, भूचाल बवंडर के दावों से भरी हुई तरुणाई का। आगे लाइन है कि सेनानी करो प्रयाण में अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। गौर करें, आपातकाल के बाद संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, यही स्लोगन लिखा गया था। और दिनकर तिरुपति में रो रहे थे कि मैं इतना जीर्ण शीर्ण हो गया हूँ, बाबू गंगा शरण सिंह ने उसमें वो संस्मरण लिखा है। अगर साहित्यकारों की थोड़ी भी सुनते होंगे ईश्वर तो वो मेरा जीवन ले लें, देश को भी जेपी की बहुत जरूरत है। हालांकि हुआ ऐसा नहीं, जेपी का दिनकर का निधन पहले हुआ। अब आगे देखें आप, रामगोपाल दीक्षित जिसने शीर्ष गीत लिखा जयप्रकाश आंदोलन का, वो आदमी बजाते अपनी कविता में आंदोलन की चिंता और प्रक्रिया की बात कह रहा है। वो कृषक श्रमिकों की बात कह रहा है, वो विद्यार्थियों की बात कह रहा है, वो समाज के और दूसरे तबकों की बात कह रहा है। और यह कह रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता का अहंकार बड़ा नहीं हो सकता है, लोकतंत्र में लोक का आत्मविश्वास हर हाल में बड़ा होना चाहिए। तो मुझे अभी भी ये लगता है कि इस दिशा में काम करने की जरूरत है कि एक तो हमारे समय में संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं, और कहीं भी संघर्ष है या आंदोलन है तो उसको लेकर जो साहित्यिक कार्रवाई है उसको लेकर एक निष्पक्ष आलोचकीय विवेक के साथ काम करने की जरूरत है, तभी हम अपने साहित्य के प्रति भी ईमानदार हो पाएंगे और अपनी भाषा हिंदी के प्रति भी ईमानदार हो पाएंगे।